सर्जिकल स्ट्राइक की पांचवी सालगिरह से कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर के उरी में हमारे बहादुर जवानों ने आतंकवादियों को धूल चटा दी। घुसपैठ की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी और पाकिस्तान की आतंकी साजिश का एक जिंदा सबूत भी हासिल कर लिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को जिंदा गिरफ्तार किया। उरी में पिछले 10 दिनों के अंदर 7 आतंकवादी ठिकाने लगाए जा चुके हैं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख से ठीक कुछ घंटों पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। पिछले कई दिनों से चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बल ने न सिर्फ कई आतंकियों को ठिकाने लगाया है बल्कि हथियारों का ऐसा जखीरा बरामद किया है जो भारी तबाही की वजह बन सकता था। यहाँ पे 2 AK-47 राइफल्स और बाकी सामान जो है ये यहाँ पे रिकवर किया गया है और दिखाया गया, और मेड इन पाकिस्तान ब्रांडिंग है काफ़ी सारी चीज़ों पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 5 मिलिटेंट जो हैं अभी तक मारे गए हैं और एक मिलिटेंट जो है जिंदा पकड़ा गया, उसकी एज जो है 19 साल बताई जा रही है। जिस तरीके से आर्मी के यहाँ पर GOC ने इंफॉर्मेशन दी, मेजर जनरल ने इंफॉर्मेशन दी, आप देख सकते हैं कुछ पिस्टल भी इसमें हैं, कुछ कटर्स हैं, वायर कटर्स, ग्रेनेड भी काफ़ी सारे हैं, कुछ मेड इन चाइना ग्रेनेड्स हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लगातार जो ऑपरेशन यहाँ उड़ी में चल रहा था उसमें 5 मिलिटेंट मारे गए हैं और काफी सारा सामान जो है वो रिकवर किया गया है। बताया जा रहा है कि उरी में 18 सितंबर से आतंकी घुसपैठ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सुरक्षा बल के जवानों को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब भारी मात्रा में हथियारों के साथ एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा बल के शिकंजे में आए इस आतंकी का नाम अली बाबर बताया जा रहा है। 19 साल का ये आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। अली बाबर ने खुद कबूल किया है कि वो लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखता है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक इस घुसपैठ को सलामाबाद नाले की तरफ से अंजाम दिया गया था। ये वही जगह है जहाँ से 2016 में उरी हमले के लिए आतंकी आए थे। Was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by 3 porters who had come till the line of control along with supplies. आतंकी घुसपैठ की ये साजिश कितनी घातक साबित हो सकती थी इसका अंदाजा हथियारों के जखीरे को देखकर भी लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 18 सितंबर से घुसपैठ के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 10 दिन के भीतर 7 आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। इस दौरान घुसपैठ की कुल 3 साजिशों को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बल को इस दौरान जहां 7 AK-47 राइफलें बरामद हुई हैं, वहीं आतंकियों के पास से 80 ग्रेनेड भी बरामद हुए। उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सेना ने तकरीबन 9 दिनों तक ऑपरेशन जारी रखा। 18 तारीख को 2 इन्फिल्ट्रेटर इस पार आ गए थे और दोनों मिलिटेंट जंगलों में छुपे रहे। 26 तारीख को 1 मिलिटेंट मारा गया और 1 को जिंदा पकड़ा गया। जिस मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया उसने कहा है कि उसे सामान सप्लाई करने के लिए यहाँ भेज दिया गया था और उसे पट्टन में सामान का कंसाइनमेंट डिलीवर करना था। फिलहाल यह ऑपरेशन खत्म हो चुका है। तो कुल मिला के लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द 18 तारीख से लेकर आज तक 5 मिलिटेंट मारे गए हैं और 1 को जिंदा पकड़ा गया है। उधर अली बाबर नाम के जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसने भारतीय सेना को कुछ बेहद अहम जानकारियां दी हैं। मसलन, अली बाबर कक्षा 7 का छात्र है। अली बाबर पिता की मौत के बाद लश्कर में शामिल हुआ। 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में अली बाबर ने आतंकी ट्रेनिंग ली। अली बाबर ने बताया कि आतंकी अतीकुर रहमान ने उसे मां के इलाज के लिए 20,000 रुपए देने की बात कही थी, जबकि मिशन पूरा होने के बाद वापसी पर अली बाबर को 30,000 रुपए और मिलने थे। और आइए अब ये भी समझते हैं कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जहां से दहशतगर्द आतंकी साजिश को अंजाम देते हैं। ये LC है जो उस पार का एरिया है, ये इस पार का एरिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके ये पूरा एरिया है
यहाँ पर ही इस पूरे एरिया में इन्फिल्ट्रेशन होती है। ये एरिया ऑफ ऑपरेशन है जहाँ आप देख सकते हैं ये जबरी का ये जो एरिया है इसी एरिया में यहाँ आप देख सकते हैं केला कटा फॉरेस्ट है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और इसी में कोशिश होती है इन्फिल्ट्रेशन की। और उसके बाद ये जो पूरा एरिया है ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जहाँ पर हम इस वक्त हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा है यू आर हेयर, यानी कि हम इस वक्त यहाँ पे हैं और ये पूरा एरिया जो है यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। एल ओ सी यहाँ पे दिखाई गई है और ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जिस तरीके से आपने मैप देखा ये प्रैक्टिकल एरिया है, आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया एल ओ सी का है और आप देख सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि ये उस पार का एरिया बिल्कुल इसके साथ में है और इस पार पूरा आप देख सकते हैं कि उड़ी का पूरा बेल्ट है। जाहिर है घुसपैठ के इन रास्तों पर अब दिन रात सुरक्षा बल की निगरानी है, यही वजह है कि सरहद पार से आतंकी साजिशों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। इस आतंकी घुसपैठ को सुरक्षा बल ने ऐसे वक्त में नाकाम किया है जब उरी में हुई सर्जिकल स्ट्राइक को 5 साल होने वाले। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी एक बार फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन ऑपरेशन बलवान की बदौलत इस साजिश को नाकाम कर दिया गया।